वैसे नए साल में ना कुछ चीजें बदलती ही नहीं, वैसे बदलेंगी कैसे अगर उनका इलाज नहीं करेंगे तो वो नए साल में नया रूप लेकर सामने आ ही जाएंगी, जैसे कि इश्क सुभान अल्लाह में, जी हाँ, जहाँ सौतन ही सौतन को थप्पड़ मारने पर तुली हुई है। वो क्या है ना कि रुखसार की ऐसी हरकतें देखकर ही शक होता है कि एक्चुअल में इनके साथ कुछ गड़बड़ है भी, ये सब ड्रामा कर रही है। थप्पड़ का बदला थप्पड़ से ही लेना चाहिए, ये बात बच्ची बन चुकी रुखसार को अच्छे से पता है। तभी तो रुखसार आज कबीर के सामने इस जारा को तमाचा जड़ना चाहती है। रुखसार से ऐसी बातें सुनकर जारा और कबीर दोनों हैरान रह गए कि बच्ची बन चुकी जारा के मन में आखिर ये सब आया कहाँ से। That was quite surprising for me, because मैंने उम्मीद नहीं किया था कि रुखसार दिल से बहुत बच्ची है, उसको कुछ कुछ आधी अधूरी ब्लरी मेमोरीज हैं उसके पास। रुखसार के थप्पड़ मारने की जिद को कबीर ने कैसे शांत किया जरा वो भी देख लीजिए। जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं कि मोबाइल पर गेम खेलने को नहीं मिलेगा और साथ में बाजार भी नहीं ले जाएंगे, कुछ ऐसे ही बातें रुखसार को भी समझानी पड़ी। जानती हो ना तुम, अगर तुम्हारी एक बीवी ने दूसरी बीवी को थप्पड़ मारा तो क्या होगा? याद रखना कि आज के बाद हमारी हर एक जिम्मेदारी तुम्हारे पर खत्म हो जाएगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब समझी हो तुम? मतलब कि हम तुम्हें हमारा मोबाइल नहीं देंगे गेम खेलने, मतलब कि तुम हमारे साथ घूमने नहीं आओगी, सारा आएगी और खरीदारी करने। रुखसार, तुम हमारे साथ कभी नहीं आओगी किसी चीज में। अब एक मोबाइल से शुरू हुआ ये झगड़ा थप्पड़ तक पहुंचेगा, खैर जाने क्यों, रुखसार पर थोड़ा शक जरूर होता है क्योंकि फिलहाल वो जारा को दोस्त तो बोलती है लेकिन बीच बीच में जारा पर उसका गुस्सा भी निकलता रहता है। अब कौन जाने ये सौतन वाला गुस्सा कब बन जाए। खैर फिलहाल जारा और कबीर के बीच में मुश्किलें चाहे जितनी हो लेकिन दोनों के बीच प्यार भी देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से इश्क तो अभी भी है ना। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट।